हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं ट्रिप में। कहाँ जा रहे हैं आपको आने वाली नहीं वीडियो में पता चलेगा। बता अभी भी नहीं बताते हम कहाँ जा रहे हैं। पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा जो अभी रिलीज हुआ है। अभी टाइम हो गया 9:15, 9 बजे ब्लॉग आया है, आपने देख लिया होगा। और हम जाने वाले, तैयारी तो यार, हमने कल ही कर ली एक है। बार बना, हाँ मैं भी देख लूँ। हाँ तैयारी तो हमने कल ही कर ली थी। कुछ पैकिंग वगैरह बाकी है, थोड़ा थोड़ा ऊपर का मोटा मोटा उसको रखेंगे, निकल जाएंगे। नहा तो मैं लिया, कभी तभी तैयार हो रही, कुछ बनाना है खाने के लिए, शाम के खाने के लिए। आज सुबह की बात ऐसा हुआ कि कल रात को ही मेरा शरीर पूरा एकदम खुजली खुजली कर रहा था। वो शीत हो जाती है ना, शीत निकल जाती है जिसको बोलते हैं, वो हो गया था, जिस कारण से पूरे शरीर में ऐसे मोटे मोटे ददरे टाइप के पड़ गए थे, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, शीत बहुत। तो वो हो गई थी सुबह। फिर मैंने मिट्टी तेल लगाया, हाथ अभी वाइट वाइट है जी, बीच में दिख रहे हैं। मिट्टी तेल लगाया तो ठीक था। रात में मैंने टैबलेट ले ली थी तो थोड़ा आराम लगा। रात भर तो नहीं रहा, सुबह सुबह फिर से खुजली होने लगी, फिर से शीत। नहा लिया तो और घिस घिस के तो पूरे शरीर में इतने मोटे मोटे ददरे टाइप के उठ गए थे। तो वो अभी, हालांकि फिर मैंने मिट्टी तेल वगैरह लगाया तो ठीक रहे काफ़ी। शरीर अभी थोड़ा सा सुस्ती सी है तो वो ठीक हो जाएगा। अभी कुछ देर बाद थोड़ा खाना पीना खाऊंगा, चलूंगा फिरूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो चलो आज के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बने रहिए ब्लॉग पे और आने वाले ब्लॉग बहुत अच्छे होंगे, ऐसा होप है। देखता हूँ अच्छे अच्छे शूट करने का। तो अभी हमें तैयारी करना है और उसके बाद निकलते हैं। अभी टाइम हो चुका है 10:15। काम पूरा हमारा लगभग पूरा हो गया है और हम जाएंगे यहाँ से जबलपुर तक बस से, क्योंकि गाड़ी से जाएंगे फिर गाड़ी लाने की दिक्कत, वहाँ रखने की दिक्कत, इस कारण से बस से जाएंगे। तो अभी होगा है रेडी, कविता बस खाना बना, मतलब ले जाने के लिए कुछ बना रही है, नाश्ता वगैरह जो कि पूरी है और सब्जी, तो शाम को हमारे लिए काम पड़ जाएगा। तो हो गया है, होपली 12 बजे तक हम निकल जाएंगे। हमारा जो प्लान था वो था 12 बजे करीब निकलने का, अभी 1:45 बज गए हैं पर अभी हम निकल नहीं पाए हैं। निकल जाते जल्दी पर हुआ क्या, हमने कॉल करके पूछा तो बस थोड़ी लेट है, ताकि हम टाइम पे पहुंच जाएं। यदि जल्दी निकल जाते तो वहाँ जाके हमें वेट करना पड़ता जबलपुर में 1-2 घंटे के लिए, जो कि हम नहीं चाहते कि इतनी धूप में स्टेशन में या कहीं भी वेट करें। हालांकि छाया तो मिल जाती है पर घर में, इसलिए अभी मैं थोड़ी देर लेट गया था। हल्की सी नींद भी लग गई, लाइट गोल हो गई थी तो नींद खुल रही थी बार बार। खैर ठीक है, थोड़ा सा सो लिया हूँ क्योंकि रात में ट्रेन में पता नहीं सो पाता हूँ कि नहीं, सो लिया हूँ अभी। तो अभी हो गए हम लोग तैयार, दोनों को भी मैं भी, और 1:45 बज गए बस निकलने वाले हैं। बॉटल बस रखना है तो एक ही बॉटल है जिसमें मैंने सिर्फ पानी पानी रखा हूँ प्योर, और एक ये बॉटल है, ये इस पे रखा हुआ बर्फ़। बाई चांस स्टेशन में गर्म पानी या कुछ ऐसा, मतलब ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी नहीं मिलेगा तो उसमें मिला के पानी को ठंडा किया जा सकता है। सुबह का भरा हूँ पर अभी तक इसमें बर्फ़ का बर्फ़ ही। तो चलो अब चलते हैं बस स्टैंड और वहाँ से बस में बैठ के जबलपुर। ये अखंड ज्योति कुछ बुक्स है जो हम ले जा रहे हैं, वहाँ पे 5 हैं 10 आई थी कहीं से तो उनको देना था किसी लोगों को, तो 5 ले जा रहे हैं। ट्रेन वगैरह में कोई मिलेगा तो उनको देते हैं कि ट्रेन में इस डब्बे में रख ली, इसमें 4 और इसमें है क्या सब्जी और पूरी और पैक करना है बस। हम बस में बैठ गए हैं और यहाँ से हम करीब 1:20 हो गए हैं अभी, तो 2 बजे लगभग लगभग तो हम पहुँच जाएंगे जबलपुर, और उसके बाद हमारी ट्रेन है 3:30 बजे तो इजीली पहुँच जाएंगे टाइम से। गाइस अभी हम यहाँ चौक पे आ गए हैं, यहाँ पे सिटी बस का वेट कर रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम है 1 घंटे का, तो सिटी बस भी आने वाली है 5-10 मिनट, उसको आने में उसके बाद हम निकल जाएंगे रेलवे स्टेशन के लिए। तो चलो चलते हैं, बस में काफ़ी दिनों बाद सफ़र किया, खैर कोई बात नहीं, अच्छा था। करीब 4-5 महीने बाद बैठा हुआ बस में, इससे पहले तो गाड़ी है तो गाड़ी से आना जाना होता है, अभी जाना पड़ा बस से तो कोई। अभी हमें बस मिल गई है और हम बस में बैठ गए हैं, अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, मात्र 5 मिनट और बस ही मिल गई, अच्छा था कि जल्दी मिल गई। हाँ 10 मिनट करीब वेट करना पड़ा और बस आ गई। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और अब यहाँ से हमारी ट्रेन 3 बजे, 3:30 बजे है तो अभी 3 बज चुके हैं और बस हम पहुंच ही गए हैं, अब अंदर जाते हैं। का स्टेचू है, ट्रेन है, क्या पता नहीं, डिब्बा जैसे बना हुआ है, वहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक किया है। हम स्टेशन में पहुंच गए हैं और अच्छी बात है कि हमारी ट्रेन भी आ गई जो जाना है यहाँ पीछे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कम जब कहाँ जा कहाँ रहे हैं सारी ट्रेन में देख के,
तो आ गए हैं हमारा बस थोड़ी सी दूर और बचा, और चलते थक गए काफ़ी ज़्यादा, थक के तो हालत ख़राब हो गई है। अब निकलते हैं और अब थोड़ी देर बैठेंगे, बाहर ही बैठेंगे, अभी ट्रेन निकल लेगी उसके बाद ट्रेन के अंदर जाएंगे, क्योंकि अभी जाने से कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अंदर भी। तो भाई सब ट्रेन के अंदर जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मात्र 10 मिनट ही बाकी है, तो हम जाके बैठ जा रहे हैं, सोच रहे हैं उससे पहले पानी भर लेता हूँ बॉटल में, आगे काम पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पहले ही लग रहा था कि गर्मी बहुत तेज़ लगेगी, और अभी वही हुआ, फैन वगैरह भी ऑफ है, ऑन करके देखा ऑन नहीं हुआ। मैं पायल लेने के लिए रुका हुआ था, तो कपड़े मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो रही थी, तो कपड़े चेंज कर लिया हूँ। तो अभी यहाँ से निकलना है दिल्ली के लिए, हमें 2 घंटे करीब लग जाएंगे। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर मिलते हैं दिल्ली के बाद।